वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब जी का स्वागत है गुरमत कॉलेज के इस तीवें सैशन दे विच, शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन कोर्स दे। एक गल आप भली भांत जानते हो कि इस कोर्स दे जो भी लैक्चर्स ने असी इत्थे सुन रहे हैं, सानू उहदे बारे, उस विषय बारे अगर कोई भुलेखे होंदे ने, तो मेरे ख्याल उह साडे काफ़ी सारे भुलेखे दूर करदा है। इत्थे दा जो भी डिस्कशन है, बड़ा कुछ ऐसा सानू नवा सीखण नू मिलदा है जिहदे बारे शायद सानू कदे कोई आस भी नहीं होंदी भी जदों असी इत्थे कोर्स नू अटेंड करांगे तो सानू की प्राप्ति होएगी। क्योंकि कई बार एक भुलेखा जहा पै जाता, मैं कई फोन आते हैं कि वीर जी इतने अर्थ करवाए जा रहे हैं या कथा रूपी प्रोग्राम चल रहा, वो एक अलग कंसैप्ट है। गुरद्वारा साहब दे विच जदों असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की विचार सरवण करते हैं कीर्तन रूप में, विचार रूप में, पर यह जो कंसैप्ट है एक बिल्कुल अलग तरीके दे नाल है। इत्थे असी गुरु ग्रंथ साहब जी बारे जो भी उत्थे दे विषय ने उन्होंने जो डिस्कस करते हैं तो एक अलग तरीके दे नाल, एक अलग अंदाज दे नाल असी उन्हों सुनदे हाँ, पढ़ते हाँ, विचारदे हाँ। हुण तक असी बहुत सारे विषयों के उपर गल कर चुके हैं, अज एक नवे विषय दे नाल साडी सांझ। सत्कारयोग सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब साडे विच सुशोभित ने, इन्होंने साडी बेनती नूं प्रवान किया ते साडे कोल पुजे। एक जानकारी मैं आप जी नाल होर सांझी कर देवां, जिस गुरमत कॉलेज में आप अज बैठे हाँ, इस गुरमत कॉलेज की आरंभता 1995 27 साल पहला। उस वक्त प्रोफेसर मनजीत सिंह जी जथेदार सन अकाल तख्त साहब के, तो आरंभता इन्होंने ही की गुरमत कॉलेज की। मैं भी उत्थे उस फंक्शन के शामिल सी, गुरद्वारा दमदमा साहब वो फंक्शन होया सी। तो अज 27 साल बाद सिंह साहब दोबारा इस गुरमत कॉलेज में आए ने इस कोर्स के। अज का जोड़ा सिंह साहब का विषय है, तुहाडे कोल ब्रोशर है गए ने, साडा 33 नंबर विषय है, हर मंदिर ए शरीर है। गुरबाणी अनुसार हर मंदिर का संकल्प, या असीं गल करिए शरीर का संकल्प, हर मंदिर इस शरीर नूं कहा गया है। वो अज इस विषय के उपर सिंह साहब जी ने साडे नाल जानकारी सांझी करनी है, सानू सोझी बख्शनी है। मैं एक गल होर सिंह साहब जी बारे आप जी दे नाल सांझी करदे हां। सिंह साहब जी बड़ा लंबा समा, हुणे मैं गल कीती कि 27 साल पहला जथेदारी की सेवा निभा रहे सन, 13 साल लगातार तखत केसगढ़ साहब के जथेदारी के तौर पर, 4.5 साल अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार के तौर पर, तो 1 साल अडिशनल चार्ज तखत दमदमा साहब के जथेदार के तौर पर भी सेवा निभा चुके हैं। उन्हां सेवावां तो बाद हुण आनंदपुर साहब की धरती ते बड़े वड्डे उपराले सिंह साहब जी वरां वल्लों कीते जांदे ने। प्रोफेसर साहिब सिंह गुरमत ट्रस्ट, सिख इंस्टीट्यूट आफ स्पिरिचुअल स्टडीज़, उत्थे स्टूडेंट्स नूं स्टडी करवाई जांदी है। थोड़े दिन पहले इत्थे साडे कोल डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी आए सन, जिन्हां ने बिना संतोख नहीं को राजा दे विषय ते विचारां सांझियां कीतियां सन, वह भी इस इंस्टीट्यूट के सिंह साहब के स्टूडेंट ने, डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी। माता साहेब कौर बाल आश्रम, माइटी खालसा इंटरनेशनल स्कूल, श्री गुरु हर राय नशा मुक्ति केंद्र, ये सेवावां सिंह साहब जी वालों अज भी उत्थे चलाईया जा रही ने, और बड़े अच्छे तरीके दे नाल इन्हां सेवावां दे नाल आम लोगों नूं शामिल करके उन्हां दा भला किया जा रहा है। सिंह साहब जी ने अज इस विषय ते साडे नाल विचार सांझी करनी है। मैं बेनती करांगा उस तो पहले केवल एक मिनट लई सत्कारयोग चेयरमैन वीर जतिंद्रपाल सिंह जी गोल्डी वीर जी सिंह साहब जी नूं जी आया कहणगे, उस तो बाद आपां सिंह साहब जी कोलों इस विषय ते विचार सरवण करांगे। गोल्डी वीर जी, गुरु प्यारी साध संगत, आओ गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
समूह संगत पठानकोट धनवाद धनवाद है सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी जिन्होंने अज साडे कैंप दे जा के सानू असीसा बख्शे हैं और संगत नूं गुर शब्द नाल जोड़न उत्ते पहुंचे हैं। और नाल असी मैं सिंह साहब अगे बेनती की जिस तरह सिंह साहब उत्थे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं संगत नूं जोड़ रहे हैं सानू भी असीसा बख्शन और साडे इस गुरमत कॉलेज भी जिते असी शॉर्ट टाइम कोर्स ला रहे हैं उत्थे गुरमुख के जिहड़े होर भी कोर्सिज हैगे ने वह भी सानू बुलवान दे नाल ही मैं धन्यवाद करांगा समूह संगत दा जिन्होंने पिछली बारी डिमांड की सी कि पंजाबी का जो क्लासी के नाल शुरू की जाए और जिन्हें संगत ने ज्वाइन किया उन्होंने भी धन्यवाद और जिन्होंने हद तक नहीं किया और आप जी इच्छुक हो तो इस क्लास तो अद्धा घंटा पहले यानी कि 10:30 बजे राइट पंजाबी की क्लास इतने जिन्होंने पंजाबी नहीं आती बिल्कुल नहीं आती या थोड़ा सीखना चाहते हो या लाग मात्रा आप जी अगर करना चाहते हो कंप्लीट वो वास्ते आप जी इस क्लास के अंदर भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। दूसरी एक होर बेनती है एक असी आने वाले 23 तरीक तो एक समर कैंप शुरू कर जा रहे हैं एक महीने का साडा कैंप है जिदे च वाजा तबला ढोलकी रवाब कीर्तन पंजाबी सीखना पढ़ना सारा कुछ यह सारी क्लासिज असी 9 से 11 आने वाले एक महीना सिर्फ शनि तो आज छड़ के मतलब सोम तो लैके शुक्रवार तक यह 5 दिन वो क्लास 2 दिन साड़ी क्लास हो गई एक महीने वास्ते कोर्स शुरू किया जा रहा है जिदे जिहड़े आप जी इच्छुक हो आप जी बाहर अपने नाम लिखवा के इस क्लास से ज्वाइनिंग कर सकते हो और ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहयोग सदका यह प्रोग्राम असं एक महीने वास्ते समर कैंप लगा जा रहे हैं जो कि मैं समझना फस्ट टाइम इस उपराला किया जा रहा है। साड़ी कोशिश है कि जिन्होंने इस चीज़ का शौक हैगा आप जी इतने शौक पूरा करके गुरु शब्द नाल जुड़न की कोशिश करो तो सत्संग में ज़्यादा समा ना लेंदा होया सिंह साहब जी का धन्यवाद करना कि इसी तरह सानू अगे असीस बख्शन ताकि आने वाले समय सानू जो भी होर सेवा की लोड़ पवे इसी तरह अपने इस कॉलेज को अगे वधान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद गोल्डी जी। हुण मैं बेनती करांगा सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब अज दे इस विषय ते विचारां दी सांझ करनगे सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपम गुरप्रसाद सच्चे पातशाह हजूर लोक परलोक दे सुखदाते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बख्शिश की हुई गुरमत जीवन जुगत को दृढ़ करन दी मन विच वेदना चाओ लैके एकत्र होए समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों सरबंसदानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी की बख्शिश की गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू अत्यंत प्रसन्नता हुई गुरु पातशाह ने अपने दर की चौर बरदारी करवाउंदे आ जिहड़ा गुरमत कॉलेज का बूटा हथी लवाया सी अज उत्थों दे इस फुलवाड़ी दे इस रूप दे विच प्रफुल्लित होंदिया मैं देख रहा तुसी सारे इत्थे मिल बैठे हो गुरु दे सिख वजों ये गल ध्यान च रख के असी अज दे जो मैनू आग्या कीती गई है गुरमत दे इस विषय के बारे आप नाल चर्चा करन दी इस नू चर्चा नू आरंभ करन तो पहला ये गल ध्यान च रख लईए सिख कहा लैणा ये कोई बहुत औखी गल नहीं है पर सिख होना सिख बनना सिख होण दे कहाउण दे अधिकारी बनना एक बिल्कुल वक्री गल है। अज का विषय जिहड़ा ना वह मूल रूप दे विच इहदे नाल ही जुड़िया होया है। वैसे तो गुरमत नाल जो कुछ भी संबंधित है
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਬੋਧੀ ਜਾਨੀ ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਨੇਮ, ਆਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਮਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ, ਰੂਹ, ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਜੀਵੜਾ ਕਰਕੇ, ਜੀਅਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਮਾਤਰ, ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਔਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮਾਤਰ, ਕਣ ਮਾਤਰ, ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ, ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ, ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
इस दे नाल जोड़ के मैं तुहानूं ये गल दसनी चाहुंदा, तुसीं कौन हो, यह तुहाडा शरीर की है। तो यह गल कहण दा एक विशेष मकसद है, इहदे बारे आपां बाद चर्चा करांगे। मैं बेनती कर रहा सी कि जदों गुरु साहिब कहिंदे है कि तुसीं उस करता पुरख वाहिगुरू का ही रूप हो, उहदी अंश हो, तां कुछ गल्लां साडियां वाहिगुरू जी नाल मिलदियां जुलदियां ने। मिसाल दे तौर ते मैं अक्सर ये चर्चा करता हूं ना, जो महापुरशां ने जां बाणी दे विचों कणका मात्र सतगुरु ने अपनी चाकरी करदिआं अपने चरणां च बिठाउंदिआं समझाई कि मैनूं दुख चंगा नहीं लगता। दुखी होना, चिंतित होना, उदास निराश होना मैनूं चंगा नहीं लगता। मैं सह सुभाई अपने अंदर एक इच्छा पाली हुई है जिहड़ी कि तुहाडे सारे अंदर है, मेरे अंदर भी है। इस्त्री दे विच, पुरश दे विच, गरीब दे अंदर, अमीर दे अंदर, बचपने दे विच कोई जीव रहा, कोई बुढ़ापे विच जीव रहा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सारे अंदर अंदर ये इच्छा है कि जिन्ना भी समा जिंदगी दा लंघे वह आनंद विच लंघे, सुख विच लंघे, शांति विच लंघे, एक मस्ती विच, एक बेपरवाही विच लंघे, टिकाओ। पर भला ऐदां क्यों सोचते हैं असीं? सानू आनंद ही क्यों चंगा लगता? सुखी होना, खुशी होना ही असीं क्यों लोचते हैं? कभी इस गल नूं विचारे आपां कदी? हालांकि मैनूं नहीं लगता ये सच है, ते तुसीं सारे इस सच नूं प्रवान करोगे कि सारे आपां आनंदित होकर जीना चाहुंदे हां। ठीक है जी, गल है ठीक है ना जी? मैनूं तुहाडा हुंगारा कई गल्लां च लोड़ींदा होएगा। वन वे ट्रैफिक च मैं विश्वास नहीं रखता कि बस वो चली, नहीं। आपां सिख दे तौर ते बैठे हाँ, आनंदित होना सानूं चंगा लगता है, साडी पहली ते आखिरी इच्छा है। पर क्यों है ये? दुनिया का कोई दार्शनिक, कोई धर्मशास्त्री, कोई विद्वान दस नहीं सकेगा कि क्यों सानू आनंद चंगा लगता, क्यों आनंद दी लोचा है साडे अंदर। पर जिहड़े महापुरश ने, जिहड़े अनुभवी पुरश ने, जिहड़े लिवलीनता दे विच उस बेगमपुरे दे विच जा चुके हैं अध्यात्मक साधना राही, वह ये सच नूं प्रगट करते हैं कि असल विच तुसी उस करता पुरख की, उस परम जोत की एक अंश हो, तो वह जिहड़ी परम जोत है ना, परम आत्मा है, उहदा सुभा सत चेत आनंद है, सच दा आनंद है, वह सदीवी आनंद दा सुम है। क्योंकि उहदी अंश होण करके उहदा सुभा तुहाडे च प्रवेश कीता होया। ये जिहड़ा सदीवी आनंद की पहली ते आखिरी इच्छा है ना, ये उस दी अंश होण दा सबूत है। आनंद नालों टुट के आए हाँ असीं, ते उस आनंद की तलाश विच असीं उस आनंद दे विच समाउणा चाहुंदे हाँ, आनंद स्वरूप होना। ये सानू समझ आवे कि ना आवे, पर सच ये है कि उस आनंद दे, सदीवी आनंद दे सोमे दा अंश होण करके साढ़े अंदर आनंद दी भुख है। मारे कहते बिल्कुल ठीक हो गया, मैनू ना खेचल करो, समय दा इत्थे रख दिओ जरा मैनू, ताकि मैं गुस्सा की ना कर। अच्छा हाँ ठीक है, धन्यवाद। चल सो आनंद की प्राप्ति की इच्छा पहली ते आखिरी इच्छा, हुण जिंदगी का जो कुछ भी है
जिन्हों असी जिंदगी नाल संबंधित करके देखते हैं, भावें वह शरीर है, भावें ये शरीर नाल जुड़िया हुई, ये शरीर राही मिलिया हुई शक्तियां ने, ते उन्हां शक्तियां दी वरतों राही जिन्हें भी साड़ी दौड़ भज है, जिन्हें भी साड़े फुरने ने, जिन्हें भी विचार हड़ा हड़ आउंदा विचार, ते उन्हां विचारां दे विच्चों फुरनियां विच्चों इच्छावां विच्चों जज्बियां विच्चों भावनावां विच्चों निकले हुए साड़े कर्म ने, साड़ा वरतों विहार, ये सारा ही उस पहली ते आखरी इच्छा नाल जुड़िया होया है, जीवन आनंदित किवें हो जाए। आनंद प्राप्ति सारे विचारां दा, सारे फुरनियां दा, सारे जज्बियां दा, सारियां भावनावां दा, सारे कर्मां दा, सारे वरतों विहार दा, जिहड़ा असी जिंदगी दे शुरू तों लैके आखरी सवास तक करदे आं, उहदा केंद्री धुरा ये आनंद की प्राप्ति है। ये सानू गुरु साहिब कहिंदे आ, इसे करके एक पूरी दी पूरी बाणी ही जेड़ी है वो इस आनंद दे सिरलेख दे अधीन गुरु साहिब ने साड़ी झोली पाई है। हालांकि सारी बाणी दे विच वक्रे वक्रे पक्षां तों जिन्नी भी महाराज ने जीवन जुगत बख्शिश की है, जिहड़ी विचार चर्चा की है, वह इस आनंद दे नाल ही जोड़ के की है। आनंद क्यों लोड़ींदा है, ते आनंद दा जेड़ा विरोधी भाव है दुख चिंतावां उदासी निराशा डर सहम, ये क्यों आ जाते ने, इन्हां दे की कारण ने, इन्हां दे लक्षण की ने, इन्हां दी रेमडीज इलाज की ने, सारी चर्चा इसे गल ते है। की साधन है, कितों हो सकता है दुख निवृत्ति का नतीजा प्राप्त हो सकता, किथे किथे असी गुआ बैठते हैं आनंद नूं, वो प्राप्त किवें होना, कितों होना, कदों होना, किदे राही होना, की साधन ने, किहड़े किहड़े ढंग तरीके ने, उन्हां दी चर्चा आनंद साहिब की बाणी दे विच ते संपूर्ण चर्चा ही इसे गल दी है। खैर इसे पक्ष तो आप अज दे इस विषय नाल जोड़ के कुछ चर्चा करिए गुरबाणी के आधार पर। आनंद प्राप्ति की इच्छा उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर तक साड़ा शरीर है, ठीक है जी, क्योंकि ये शरीर है ते इस शरीर दे नाल जुड़िया हुई वो शक्तियां ने जिहड़ियां असीं रोज़ वरत रहे हैं, उन्हां दी चर्चा करांगे। ये शरीर जिदन नहीं सी, साड़ी रूह साड़ी आत्मा किस रूप में सी, किस तरह विचर रही सी, की उहदे नाल वापर रहा सी, सानू कुछ नहीं पता। इस तों बाद जदों इस शरीरक जिंदगी मुकेगी, साढ़े श्वासों की खेड मुकेगी, ये तो बाद की वापरना है सानू कुछ नहीं पता। गुरु साहब ने अनुभवी निर्णय जरूर दिते ने बाणी विच सुचेत करन लई कि भाई जिस आनंद की इच्छा रखते हो, एक गल तो चेते रख लियो कि वह बड़ी कुदरती है। एक गल, आनंद की इच्छा रखना गलत नहीं है, वो तुहाडे जीवन का कुदरती वर्तारा है, पर उस आनंद की प्राप्ति वास्ते डूज ते डोंट्स जेड़े ने, की करना की नहीं करना, उन्हूं जिन्ना चिर ध्यान च नहीं रखोगे आनंद प्राप्ति नहीं हो सकेगी। होर बहुत सारिया दुनिया दीयां प्राप्तियां तो हो सकनगियां, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तुहाडे जीवन विच सहज टिकाओ अडोलता मस्ती बेपरवाही
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਭਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਨੰਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਆਚਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਭਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਫਿਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਫਿਕਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ? ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੱਛਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ 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 ਫਲਾਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਉਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ,
दुनिया की आखदी है, दुनिया मेरे बारे की सोचती है, दुनिया का मेरे बारे की निर्णय है, सानू वो फिक्र सता रहा है। तो गुरुदेव कहते आनंद के गुआचण का भी बहुत बड़ा मेन कारण यो है कि तुसी दुनिया की भीड़ विच गुआच के जीना चाहते हो, पर जे मेरे को चल के आए हो मनुख तो सिख बनन दे वास्ते, तो फिर सिख बनन की पहली गल ए कि कुछ जेडे फंडामेंटल ट्रूथ्स ने, कुछ सदीवी सच ने, कुछ मूल सच ने, पहला मेरे को बैठ के वो समझो, वो जान। ए जेड़ा तुहाडा शरीर है साहब कहंदे इस नूं दो रूपां विच देखना, एक शरीरक जीवन है, एक तुहाडा मानसिक जीवन है जिसनों असी धर्म की भाषा विच अध्यात्मक जीवन आखते हैं, धार्मिक जीवन आखते हैं, आत्मक जीवन आखते हैं। एक वो जीवन है ये निर्णय महाराज कहते जिनी छेती तुसी अपने जेहन विच अपनी सुरती बिरती अपनी बुद्धि कर लोगे उन्ना ही छेती तुर पाओगे इस पासे वाल, तो तुरना तुहानू पैना है। महाराज कहते मैं तो सिर्फ तुहानू सोझ ही देनी है, गाइडलाइनस देनिया ने, इशारे देने ने, और उन्हां दी कमाई तुसी आप करनी है। ऐसा ना होवे कि मेरे को आके जो मैं बचन किए ने बाणी रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हों असी नमस्कार करते हैं उन्हों पढ़ लो, उदे खंड पाठ कर लो, उदे संपट पाठ कर लो, महासंपट पाठ कर लो, जां उदे नाल जोड़ के होर बहुत सारियां गल्लां कर लो, बाणी याद कर लो, बाणी दे अर्थ याद कर लो, बाणी दे बड़े बड़े तुसी बाणी नाल संबंधित लैक्चर कर लो, कथावां कर लो, ये सब कुछ अपनी जगह दे उत्ते प्रसंगक हो सकता, महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिन्ना चिर तक इस दी कमाई नहीं करोगे, इस नूं दृढ़ाओगे नहीं, इस नूं अपने पूर्ण तौर पर जीवन दे विच भावें वह शरीरक है तो भावें वह मानसिक है वह तो लागू नहीं करोगे, उन्ना चिर तक यह जाणिया होया तुहाडे जीवन विच आनंदमई बख्शिश भरपूर नतीजे नहीं लिया सकेगा। इसे करके साहब कहते पढ़िया ना है भेद बुझिया पावना, यह रमज़ा आनंद प्राप्ति दियां कलियां पढ़न सुनन नाल नहीं आउनियां समझ, इनू बुझना पैना है, तो बुझण का मतलब है इनू अनुभव विच लैणा। तीन लफ्ज़ ने जिहड़े अंग्रेजी विच वरते जाते हैं आपां भी पंजाबी विच भी वरते हैं, एक है नॉलेज अपना इनफॉर्मेशन, एक है नॉलेज ते एक है विजडम। इनफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, जानकारी, ज्ञान ते अनुभव। जानकारी मीन्स के जी का बच्चा उन्हें मैं याद कराना है कि दो दूनी चार होंगे है, उन्होंने नहीं पता, मैं उन्होंने रट्टा लवाता, ज़्यादा तरीके ना समझाने लिए दो ते दो लिख के दो जरबे दो लिख के अगे चार केले बनाते, चार अंब बनाते, इलस्ट्रेट करता ताकि उन्होंने सहजे सुखैन समझ आ सके, तो उन्हें रट्टा ला लिया दो दूनी चार दो दूनी चार, ये जानकारी होगी, अनुभव नहीं है उसमें। फिर इस तो अगे चल गल चली अगलिया क्लासा च तीन ते एक चार सवा ते ढाई चार अगे चलिया ना, लेकिन एक समा आएगा जे किते विद्यार्थी दी पकड़ विच एक गल आ सके वो है अनुभव दियां गल्लां, विजडम दियां गल्लां।
कि दो दूनी चार एक फार्मूला है जेड़ा कि सच है, पर जिंदगी का सच इस तो भी उपर है। उत्थे दो दूनी चार सदैवी तौर पर नहीं होंगे, उत्थे दो दूनी जीरो भी हो जाते हैं, तो उत्थे दो दूनी सब कुछ भी हो जाता है। क्यों जी, ठीक है गल, ये फार्मूला भी जिंदगी का, लेकिन यह कोई गणित का फार्मूला नहीं है, यह कितने फिट नहीं होंदा। दो दूनी जीरो हो जाता है, महाराज कहते ये भी सच है। वो की सच है कि यह शरीर मिलिया, कहता अपन गुरु साहब ने कहता हरिमंदर ये शरीर है, हैगा पर मारे कहते सच कुछ होर भी है, विष्टा अस्त रक्त परेटे चाम, ये शरीर का सच तो यह भी है कि ये थोड़ी जी गंदगी है, मलमूत्र है, विष्टा अस्त हड्डियाँ खून इकट्ठा होया पिया, तो चमड़ी नाले नू बाहरों लपेटता, ये शरीर है, ये भी सच है ना जी, साढ़े सारे दे शरीर का भी सच है। कबीर जी कहते कबीरा धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते पांच तत्त को तन रचियो जानो चतर सुजान, पंजा तत्तां दे हवा पानी अग धरती आकाश, ये पंजा तत्तां दे सुमेल नाल करता पुरख रचनहार जी ने ऐ कठा करके इन्हां नूं ते ए चमड़ी चढ़ा के उत्ते पुरिया बांधी दे इहदे बनाती। दिवस चार को पेखना अंत खे की खे, इन्हें खे हो जाना, ये भी शरीर का सच है। तो सच्चे पातशाह कहते विष्टा अस्त रकत परेटे चाम, इस उपरले रखियो गुमान, ए मन करदा ये हंकार करदा, महाराज कहते थोड़ा जहा विष्टा गंदगी खून ते मिज हड्डियाँ जिन्हों चमड़ी चढ़ाती उत्ते काली गोरी, ये तो मन करदा, ये किस वेले इतना को लागा ठनका, ये तो मन करदा, ये शरीर का सच है। महाराज कहते तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों तारू प्रचार, ये बीमारियों का घर भीड़ा लगिया हस्पतालों, यही शरीर का मन है नहीं। साहब कहते असल में एक सच ये है, पर इसका एक खूबसूरत सच ये है कि यह हरिमंदर है, यह सारे कुछ विच ही करता पुरख वाहिगुरु जी ने बहुत कुछ होर पा दिता है। आनंद की प्राप्ति वास्ते महाराज कहते एक तो सच ये जानना है कि इस उपर ले रखियो गुमान, ये ही तू कही जाना तू जानता नहीं मैं कौन हाँ, तू जानता नहीं मैं कौन हाँ, तेरा आनंद इस करके गुआचिया कि तू इस शरीर दे बल दे सिर ते ते इस शरीर राही प्राप्त कीतियां हुई दुनियावी प्राप्तियां दे सिर ते दुनिया नू तू कही जाना वो तू ही जानते नहीं मैं कौन हाँ। तेरे आनंद दे गुआचण दा तेरे रब रूप होण दा जेड़ा ज्ञान है जेड़ा तैनू होना चाहिए आनंद प्राप्ति वास्ते कि तू रब है, तैनू उस पासे वल नहीं ध्यान जांदा, तू ए दुनियावी प्राप्तियां दे विच ही खचित होया होया शरीर की वरतों करदा, तो दुनिया नू फिर इन्हां प्राप्तियां दे सिर ते तू जानदा नहीं मैं कौन हाँ, इत्थे यह तेरे आनंद के गुआचण का कारण यह है। इदां भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, यह शरीरक पद्धर की जिंदगी है, शरीर के पद्धर से जीवन की जिंदगी है, पर महाराज कहते इस तरह की जिंदगी जीओगे
आनंद नहीं मिल सकता, होर बहुत कुछ मिल जाएगा। गुरुदेव ने बाणी विच फैसले सुनाए ने, गुरु नानक साहब महाराज का बचन है, उदो सा है क्या निशानी, उदो सा है क्या निशानी। उदो सा है दा मतलब है जेड़ा मायावी बिरतियां विच, दुनियावी बिरतियां विच, दुनियावी पदार्थां दियां, दुनियावी सुखां दियां, प्राप्तियां दी दिने रात दौड़ भज विच उत्साहत होया होया, खचित होया होया, उदो सा है उत्साहत होया होया, उधर ही 24 घंटे इंडल्ज होया, खचित होया पिया, उत्थे ध्यान उत्थे ही है सिर्फ। ए मिल जाए, वह मिल जाए, ए मिल जाए, ए मान पदवी मिल जाए, ए सुख मिल जाए, ए फलाना फलाना फलाना। संसारक सोच दे पद्धर ते जीना, यह शरीरक जिंदगी, महाराज कहिंदे इहदे विच आनंद नहीं मिलना, होर जो मर्जी मिल जाए। तुहाडा ध्यान जे उत्थे ही रहेगा, उन्हां दे प्राप्तियां दे वास्ते ही तुहाडे अंदर चलदी रहेगी, ते तुहाडे अंदर दा इन्ना ज़्यादा शोर शराबा दिन प्रति दिन वधदा जाएगा, कदी तुहानूं टिकाऊ विच नहीं आउण देगा, सहज विच नहीं आउण देगा। दिन ब दिन बेचैनी वधेगी, अशांति वधेगी, डर सहम वधणगे। साहिब बचन करदे, उदो साहिब क्या निशानी, टोट ना आवै अन्नी। पहली निशानी महाराज कहिंदे है कि जिहड़ा इदां दुनियावी प्राप्तियां की दौड़ भज विच लग्या रहिंदा है ना, संभावना है कि उहदे जिंदगी विच अन्न धन की टोट ना आवे, भाव उहदे कोल दुनियावी प्राप्तियां दुनियावी सुख साधन हो जाण, उहदे कोल बहुत संभव है, टोट ना आवे अन्नी। फिर महाराज कहिंदे इह ते दुनियावी प्राप्तियां हो भी जाणगियां, बट्स अल्टीमेट रिजल्ट, अंतम नतीजा की निकलिया प्राप्तियां ना। उदो सी करे ही उठी कूड़ी रन्नी धम्मी, ऐ मिल गया मजा आ गया। पर नाल ही महाराज कहिंदे एक होर भाणा वरत जांदा, ये जो कुछ मिलिया कि खुस ना जावे, दुनिया की नज़र ना लग जाए कितने नाल ही। ठीक है जी, ये गल है इस तरह ही है ना, कुछ भी प्राप्त हो गया, भावें दुनिया की वाह वाह, भावें दुनिया दी पदवियां, भावें दुनिया के सुख साधन, भावें दुनिया के पदार्थ, भावें औलाद, भावें मित्र संबंधी, खुश ना जावे कितने जो मिल गया। इनू संभालना किवें, ते नाल ही एक होर गल आ गई, अगर ये मल्टीप्लाई किवें हो जाए। हुण इस तों अगे इत्थे नहीं गल, हुण इस तों अगे, क्योंकि उहदे कोल इन्ना है। साहिब जी कहिंदे उदो सी करे ही बुठी कूड़ी रन्नी धम्मी, तड़मस पिया, और एक कूड़ा है। महाराज कहिंदे कूड़ा इस करके है कि सच ये है कि ये जेड़ा मिलिया है ना, कल नहीं सी, अज हैगा ते कल नहीं रहना, तुहाडा शरीर नहीं रहना ते ये भी नहीं रहना। जे ये रह भी गया ते तुहाडे शरीर दे विच भोगण जोगी हिम्मत नहीं रहना। क्यों जी, ठीक है, बाल जवानी यार बिरध फोन तीन अवस्था जान, ते सामने छत्ती पदार्थ पए होण जी, डायबिटी हो गई है जी, बीपी होया जी, फलाना फलाना फलाना, भोगण की आग्ञा नहीं है, आनंद कित्थे है। उदो सी घरे ही उठी कूड़ी रन्नी धम्मी, सत्ती रन्नी घरे स्यापा, रोवन कूड़ी कमी। अंदर स्यापा पे अमर कहते हैं, अगली गल महाराज बड़ी कीमती कहते हैं, जो लेवै सो देवै ना ही खट्टे दम सहमी। जो कुछ खट रहा है ना दम, धन दौलत सुख साधन, महाराज कहिंदे वो सहम पैदा कर रहा, खट्टे दम सहमी, जो लेवै सो देवै ना ही, दूजे नाल वंड नहीं सकता, दूजे को खो ते सकता, दूजे का भी मेरे घर च किवें आ जाए। तो जे कोई देने की गल करता ना, तो कुछ विरलिया निवाजिया होया छड के उन्हां दी गल नहीं करना, वो एक्सैप्शनल केसिस ने, निवाजे हुए बख्शिश
वो प्राप्ति है। पर बहुतियां दी हालत यह है कि जे मैं अज पंज दिते ने ते उहदी चर्चा किन्नी कोई है, किन्नियां किन्ने जाने है, किन्नियां किन्नू पता लग्या है। स्यापा ते कर पिया महाराज कहिंदे तुहाडा जे उह पंज दे दिते दी चर्चा नहीं होई ते मेरे अंदर ते अंदर कड़मास मचिया कल्पिया पिया मैं इहदे वास्ते आ कीता उहदे वास्ते आ कीता उहनां कीता मेरी चर्चा ही नहीं कीती किते। दुनिया अपनी मस्ती विच चल रही है ते रौला रप्पा मेरे अंदर पिया, दुखी मैं हो रहा, बेचैन हो रहा। महाराज कहिंदे आनंद कित्थे है तुहाडा? जो लेवै सो देवै नाही खट्टे दम सहमी। पातशाह कहिंदे इह है संसारक जीवन शरीरक जीवन, तुहाडे आनंद दे गुआचण दा मूल कारण। हुण गुरदेव कहिंदे इह जिहड़ा शरीर तुहानू मिलिया सी, मैं इस नूं हरमंदर कहना, ते असीं बड़े कुप्पे हो जाने फुल के। अच्छा हरिमंदर, मेरा शरीर हरिमंदर है, ये तो सूचना है, ये जानकारी है। सुन सुना के गुरु को सुन लिया तो मैं याद हो गया, तुसी आज बैठ के ते चर्चा कर ली, ते तुसी मेरा धन्यवाद करता, मैं तुहाडा धन्यवाद कर लिया, तुसी हो गया गल मुकी। किन्नियां कु नूं पता लग्या जी अनुभव दे विच, किन्नियां कदे आया। साहब कहिंदे मैं तुहानू हरिमंदर की परिभाषा दसनी चाहुंना, इन्नी क गल नाल किते एवें फुल के कुप्पे ना हो जाओ कि हरिमंदर ये शरीर है तुहाडा, ये जिहड़ा शरीर है जिहड़ा बिस्तरा अस्त रक्त परेटे चाम ते इहनूं मैं हरिमंदर कहता ते हुण तुसी पता नहीं की हो गए। नहीं, हरिमंदर की परिभाषा ये है, हरिमंदर सोई आखी है जिथों हर जाता। यह बचन ध्यान च लिया है, हर मंदर सोई आखी है जिथों हर जाता। हर मंदर महाराज कहिंदे मैं सिर्फ सोई दा मतलब सिर्फ ओही हरि मंदर मैं आखदा कि वह हरि मंदर है केड़ा, जिथों हर जाता, जिस जगह तो जिस दे राही जिसनों साधन बना के हरि दे नाल सांझ पै जावे। मेल मिलाप हो जाए। इस करके गुरुदेव जी कहिंदे ये मैं ते कहता कि हरिमंदर ये शरीर है, पर ये हरिमंदर शरीर हर कोई नहीं पता लगना। ज्ञान रतन प्रगट होए, गुरमुख दे गुरमुख बन के गुरु दे मुख राही प्राप्त हुए ये ज्ञान दे राही इस सच का प्रगटावा होना है। पर महाराज कहिंदे एक गल ध्यान च रख लियो, मैं नाल ही तुहानू सुचेत करके दसदा, मनमुख हर मंदर की सार ना जान। हाँ, मनमुख मूल ना जाने, मानस हर मंदर ना होए। महाराज कहिंदे जिहड़े मनमुख ने ना ओ मैं जिन्ना मर्जी कही जावां उन्हां नूं नहीं पता लगना, सूचना ते है पर मनमुख नूं कदी अनुभव दे विच नहीं आ सकना, उहदी विजडम दा हिस्सा नहीं कदी बन सकना। इसने उहनूं अपने आप दे विच ए अहसास नहीं हो सकना कदी भी कि सच्ची मुची मैं हरिमंदर हाँ। ते जे मैं हरिमंदर हाँ, मेरे अंदर वाहिगुरु जी का निवास है। हरिमंदर का मतलब जिथे हरि जी का निवास है, वाहिगुरु जी का निवास है, सीधे सीधे अर्थ ते ही ने। मंदिर का मतलब जिथे निवास है, टिकाणा, तो वाहिगुरु जी इत्थे रहिंदे ने। ते जे जे वाहिगुरु जी इत्थे रहिंदे हो ते आनंद दे सोमे ने, ते मैं रोंदा क्यों पिया, मैं बेचैन अशांत क्यों हाँ, मैं डरिया डरिया क्यों हाँ। सतगुरु जी दे कहंदे है कि वाहिगुरु जी दे गुण ए ने, वाहिगुरु जी दे निशानियां ए ने कि उह निरभउ है। जे वाहिगुरु जी जे तुसीं निरभउ हो ते मेरे अंदर रह रहे हो ते फिर मैं भय भीत क्यों हाँ, मैं डरिया डरिया सहमिया सहमिया क्यों जीवन जीव रहा। जे तुसीं इत्थे हो ते मैं तुहाडा ही रूप हाँ,
तो फिर तुहाडे ते मेरे सुभाव विच फर्क क्यों है, ये वखरेवा क्यों है, तुसी निरभउ ते मैं भयभीत, ये की होया? सतगुरु जी तुसी कहने हो, तुसी मैनू सतगुरु जी ने दसिया कि तुसी निर्वैर होंदे हो, ते मैं ते रोज़ ही वैर विरोध दे नाल फलाना मेरा ओना फलाना मेरा दुश्मन ओ मेरा वैरी मैं उहदी शक्ल नहीं देखनी। तुसी निर्वैर मेरे अंदर बैठे मैं तुहाडा रूप ते मैं वैर विरोध विच जीवना, ये की होया? साहब कहिंदे यही होएगा जे तुसी मेरी गल नूं केवल पढ़ के सुन के याद करके दे अर्थ याद करके ते विद्वान ज्ञानी सिख कहाउण लग गए, जिंदगी दी खड़ोत नहीं टुटनी, जिंदगी दे विच ऐ आनंद दियां प्राप्तियां दियां बख्शिशां दा मीह नहीं बरना। इस करके गल पढ़न सुनन तक विचारन तक मत रखो, इस तो अगे चलो। इसे करके गुरुदेव कहिंदे तुहाडे शरीर दे विच वाहिगुरु जी ने बड़े कौतक कीते ने, बड़े कौतक कीते है। ये विष्टा अस्त रक्त परेटे चाम हैगा, पर इहदे विच होर बहुत कुछ पिया। तुहानू विचार शक्ति दित्ती है, मन दित्ता, विचार शक्ति दा अथा अथा समुंदर है मन, और इन्नी ताकतवर महाराज कहंदे ये दात है वाहिगुरु जी दी कि जे इस दी सुचज्जी वरतों करनी तुहानू किते आ जाए तां ये ते त्रै भवन दर्शी हो जांदा है, त्रै काल दर्शी हो जांदा है, स्पैक्टेटर ऑफ ऑल टाइम एंड ऑल एग्जिस्टेंस, तिन्ना भवना दी सोझी हो जांदी है, तिन्ना कालां दी भूत भविख वर्तमान दी सोझी हो जांदी है। त्रैकाल दर्शी वाहिगुरु महापुरख गुरु नानक पातशाह वर्गे, आउण वाले समयां दी सोझी, बीतियां दी सोझी, साढ़े पिछले जन्मां दी सोझी गुरु नानक साहिब नूं हैगी है। जदों महाराज कहिंदे जीव जीव मूए मूए जीवे, जम जम मरे मरे जमे, जीव जीव मूए मूए विछड़े, केतियां के बाप केतियां के बेटे, केते गुरचेले हुए, आगे पाछे गणत ना आवे, क्या जाति क्या हुन हुए। किन्नी वारी ये शरीर विच असी आए, किन्नी वारी फिर ये शरीर ये मरिया, कौन किसे दा प्यो बनिया, कौन किसे दी मां बनी, कौन किसे दी पत्नी बनी, कौन किसे दे पति बने, भैन भरा। महाराज कहिंदे किन्नी वारी एदा ही होया, कड़ियां जातां तुसीं अज जिहड़ियां गुमान करदे हो, कड़ियां कड़ियां जातां विचों गोतां विचों तुसीं निकल के आए हो, ते अगो तुहाडा की बनना है कोई पता नहीं, पर गुरु नानक साहिब नूं पता, त्रैकाल दर्शी त्रै भावन दर्शी, जिहड़ियां खोजां अज साइंस कर रहा वो गुरु नानक पातशाह बिना टैलीस्कोप तो बिना सारा कुछ तो कही जाते हैं। अज गलैक्सीज की गल चलती है, यूनीवर्स की गल चलती है, किनिया गलैक्सीज बन दियाँ टुट दियाँ पईआं, ते गुरु साहिब कहिंदे कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, करोड़ां ब्रह्मंडां की गल महाराज उस वेले कर रहे हैं, और साहब जी कहिंदे तुसीं एक सूरज की गल करदे हो, एक चंद्रमा की गल करदे, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस। हाँ जी, ये अनुभव है, ये ज्ञान अखरी ज्ञान नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये अनुभव है। महाराज कहते तुसी इस तरह के अनुभवी इस शरीर के राही बन सकते हो, तुहाडे सारियां दे अंदर ये संभावना वा। मैं बेनती कर रहा सी विचार शक्ति मन मिले, जे ये मन ले जो उन्मन रह तो तीन लोक की बातें कह। साहब जी कहते ये मनुखी मन इन्ना ताकतवर है, फिर तुहानू महाराज कहते मिली देखण शक्ति मिली, सुनन शक्ति मिली, बोलन शक्ति मिली, चखण शक्ति मिली। आ छोटा जा मास्टर लोथड़ा अजीब हद ही हो गई,
महाराज ने एक बचन किया गुरु नानक साहब ने, वाह कसम तू वाह, साहब कहते अश्चर्य अश्चर्य हैरान, वाह पातशाह क्या अश्चर्य तेरी रचना, वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए। तो मैं सोचता रहा भाई ये सच्चे पातशाह ने वाह वाह जदों आख्या तो यार छोटा जि एक मास्ता लोथड़ा इन्ना ये क्या क्या ताकत पाती है, दुनिया भर के रस असी इन्ने जीव के लोथड़े नाल मान, कले भोजन के रस ही नहीं निंदिया का रस भी ये ही मानते हैं, उसत का रस भी ये है, ठीक है ना, गाला भी ये राही तो वाहगुरू वाहगुरू भी ये राही, इन्ना क टुकड़ा इन्नी ताकत ना केवल स्वाद चखण की स्वादले पदार्थों चख के हजम करने के लिए वो भी इस रस भी पाते, इन्ने क टुकड़े इन्ना कुछ। साहब कहते ऐ हरिमंदर की ए वाहगुरु जी की भी समाधि खेड़ है, इन्ना ताकतवर बनाया महाराज ने इस एवें हरिमंदर नहीं, बोलन शक्ति सुनन शक्ति विचारन शक्ति चेता शक्ति मेमोरी एक होर शक्ति बड़ी कीमती, मैं उसकी चर्चा करता हूँ ना, वो विशेष असी उन्हें गिणते नहीं, असी उन्हें नैगेटिवली लैने, भुलन शक्ति, ये भुलना कमजोरी नहीं है, भुलना बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी वड्डी बख्शिश का प्रमाण। मेरे को समा नहीं है कि मैं इहदी हुण चर्चा कर सकां, पर गुरदेव कहते जिन्नियां शक्तियां तुहाडे कोल ने इन्हां शक्तियां करके ही तुहानू हरिमंदर सोई आखिया, जिथों हर जाता वाहिगुरु जी दे अनुभव की प्राप्ति इन्हां दित्तियां हुईयां मिलियां हुईयां शक्तियां राही ही होनियां ने, और अज हैगियां ने कल नूं नहीं रहणगियां, नैनो नीर बहे तन खीना भए केस दुधवानी रूदा कंठ शब्द नहीं उचर है, ये बोलन शक्ति सदा नहीं रहनी, ये देखन शक्ति सदा नहीं रहनी, ये सुनन शक्ति सदा नहीं रहनी, अज इहदा लाभ उठा लो, ते लाभ किवें उठाया जाना, दाता जी कहिंदे इहनां दे नाल गल्लां करनियां सिख, छड़ दियो सब कुछ, करो कार विहार किरत करो फर्ज अदा करो रिश्ते बनाओ सांझा बनाओ सब कुछ करो, पर इस शरीर नाल रिश्ता बनाना सीखो, तुसी शरीर नहीं हो, ये शरीर रूपी भांडा तुहानू मिलिया, सब भांडे तुझदा साजिया विच वस्त हर थारा, ये शरीर आ मेरिया हर तुम मैं है जोत रखी तां तू जग मैं आया, ये शरीर दे विच जिन्ना चिर तक जोत नहीं है उन्ना चिर तक जीवन नहीं है, जिदन ये जोत खिंच ली गई असी कुछ नहीं रहना, काडो काडो हो जाए नहीं है, ठीक है जी ना, फिर जिंदगी दे कोई अर्थ नहीं, जिंदगी दी कोई होंद नहीं, जिंदगी दी होंद इन्हां शक्तियां दे नाल है, इस करके महाराज कहिंदे जे अपने रब होण दा रब रूप होण दा ते आनंदित होण दा भेद समझणा है ना, इन्हां नाल रोज़ गल्लां करनियां सिखो, हरिमंदर सोई आखिया जिथों हर जाता, ये तुहानू ये अनुभव कराउण दे ज्ञान हासिल कराउण दे साधन ने जिहड़े वाहिगुरु जी ने दित्ते ने, तुहानू बोलन शक्ति है, इन्हू रोज़ आखो इन्हां रोज़ गल्लां करो, ये रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर कितें जिचर हर रस पल्ले ना पाए, तृप्त नहीं होएगी तू, तेरी तृष्णा नहीं बुझनी, तेरिया भुखा तेरे स्वादले पदार्थां दे रसां कसां दे चसके ये मुकड़े नहीं कदी भी, ते जे नहीं मुकणगे टिकाओ नहीं आएगा, बेचैनी नहीं गुआचेगी, होर 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 वो तेनू बेचैन करते रहे, ये श्रवणो मेरियो सच है सुनना नू बिठाए, वो मेरियो कनो मेरे वाहिगुरु जी ने तुहानू इत्थे लाया है, सच है सच है ते विश्राम, ये श्रवणो मेरियो सच है सुनना नू बिठाए, सच्चे ने
वाहिगुरु जी ने सुनने नूं बिठाए, सुनन वास्ते तुहानूं लाया है, तुहाडी होंद बनाई है। सच है सुनने नूं बिठाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, कन्नां नाल गल्लां करो। जे तू सुनी मन तन हरिया होगा आनंद रसना रस। अज जिंदगी नीरस होई पई है, महाराज कहिंदे जे रस मानना ना जिंदगी दी मस्ती माननी है तो फिर इदां गल्लां करनियां सिखो मेरे को। कदी 5-10-15 मिनट अपने आप नाल कल्ले कल्ले अंग नाल महाराज कहिंदे गल्लां करनियां सी, रोज़ कल्ले कल्ले अंग नाल कल्ले कल्ले शक्ति नाल गल्लां करनियां सिखो। आत्म सात करो, गल्लां नाल ज्ञानी नहीं होंदा। प्रणत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाण है, बूझे सोए तो वह सोए कि होर नहीं, बूझा सोए भी इत ही, क्योंकि इत ही है वाहगुरु जी भी इतें है, मैं भी इतें ही हाँ, आत्मा भी इतें तो परमात्मा भी इतें। जोत समाणी मेरी, मैं जोत का अंश हाँ, वह परम जोत है, वह बार भी है तो इतें भी है, इस करके हरिमंदर है। पर महाराज कहते ये हरिमंदर उदों ही हरिमंदर बनना जदों ये विच बैठे नूं जानन वास्ते तुसीं जानन दी जुगत केवल पढ़ोंगे सुनोंगे नहीं, गाओगे विचारोंगे ही नहीं, इनू कमाओगे, इनू लागू करोंगे अपने जीवन च अमली तौर ते। रोज़ गल्लां करिए, ये नेत्रो मेरियो हर तुम्हें जोत धरी, हर बिन अवरना देखो कोई, हर बिन अवरना देखो कोई, नदरी हर निहाल है, ये संसार तुम देखते ये हर का रूप है। आ रहा सानू नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, मैनू तो अपना आप भी वाहगुरु का रूप नहीं नज़र आ रहा, दूजा किसों नज़र आना मैं। जे मैं ये नज़र आ रहा हों तो मैं कभी भी ना कहना तू जानता नहीं हो मैं कौन हाँ, मैं ये कहना आ जाना चाहिए सीगा, मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा, प्रभ सब कुछ तेरा, प्रभ सब कुछ तेरा, ईग है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करवीर स्वामी मेरा। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सुहर किया। ये जिन्ना चिर तक महाराज कहते नहीं सोझी आँदी, दो दुनी चार ते दो दुनी चार है कि नहीं है, तुसी दो दुनी जीरो हो जाना है, तुसी दो दुनी जीरो हो जाना, मतलब जिदा दे आए सी उदा दे भी ना रहे। बजुर्ग कहते रहे बंदा बन, बंदा बन, को बंदियां वाली गल कर, तो मैं बंदे तो पशु भी बन गया, बनाया तो मैं महाराज ने बंदा बना के भेजा सी, पर मैं बंदा भी ना रहा। पर महाराज कहते मैं तो तुहानू बंदे तो रब हुंदा देखना चाहुंदा, तुसी रब हो, मैं तुहानू रब दे रूप विच इत्थों जाना जांदा देखना चाहुंदा। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रड़ी, मरण तो बाद दीयां गल्लां नहीं हैगियां महापुरशां बारे, नहीं ये साडे सारियां दे जीवन का सच। महाराज कहिंदे मैं तुहाडे जीवन च प्रगट हुंदा देखना चाहुंदा, मेरे कोल चल के आयो, सिख बनन दा ऐ नतीजा जिहड़ा है तुहाडे जीवन विच मैं देखना चाहुंदा, खाली नहीं देखना चाहुंदा जांदा अपने कोलों, तुहानू अपना रूप गुरु रूप कह लैण। गुरु रूप साध संगत जी झूठ बोलदे आ सी, ना मैं गुरु रूप हो सकिया ते ना तुसी गुरु रूप हो सके, जेड़े हो गए उन्होंने नमस्कार, पर फिक्रे रटे हुए ने। महाराज कहते ना गुरु रूप तुसी हो सकते हो, नानक एक जोत दो मूर्ति, शब्द मिलावा होए, गुरु जोत ते तुहाडी सिख जोत एक हो सकती है शब्द दे राही, जे तुहानू मूर्तियां दो रह जाणगियां, शरीर करके गुरु नानक साहब ने, शरीर करके गुरु अंगद साहब ने, भाई लहणा जी ने, पर जोत रूप करके एक हो गए। जोत समाणी जोत में ऐ है, ज्योति जोत रली संपूर्ण थी या राम, कहानी संपूर्ण हो गई, अल्टीमेट रिजल्ट सामने आ गया। जीवन च जान लग्या महाराज कहते कहो नानक बाह लुडाई है, लुडियां पाँदे जाओ तुसी इतों, फिक्रमंद हो के चिंता तुर हो के पछतावे दे विच डरे सहमे मत जाओ, निरभय निरभौ निरवैर हो के जाओ। मैं तुहानू इस रूप विच अपना सिख बनिया देखना चाहुंदा, ये है हरिमंदर, ये शरीर है। महाराज कहिंदे इतना रोज़ गल्लां करो, एक दिन आवेगा तन सो मूरत कड़ी तन, तन मूरत पलसार, तन सो दिन स संजोगड़ा, जित डिठा गुर दरसार,
कदों मन कियां इच्छां पूरियां हर पाया अगम अपार हों मैं तुट्टा मोहड़ा एक सच नाम आता अंदरों मैं मुक गई मैं नाल जुड़िया पसारा मुक गया मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा तू तू करता तू हुआ मुझ मैं रहा ना हूँ जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू हर मंदिर ए शरीर है एहो ही एदा सच है ए दो दुनी सारा कुछ हो जाएगा जे ए नहीं ते फिर दो दुनी जीरो भी हो जाएगा दो दुनी चार दा सच अपनी जगह ते रह जाना साढ़े लिए और निरार्थक है साढ़े लिए सार्थक उदों है जदों असी दो दुनी रब रूप होके गुरु दे दर ते परवान चढ़ांगे पुलां चुका लिखे मां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी का जिन्होंने अज दे इस विषय नूं बड़े विस्तार सहित खोल के समझाण दा जो ये उपराला है मैं पहला भी जिक्र किया सी सानू बड़िया ऐसिया गल्लां नवीं पता लगनगियां इस कोर्स विच्चों जिन्हां बारे सानू कदे नहीं पता हुंदा सो गुरु साहब कृपा करन पहले लैक्चर की समाप्ति है साढ़े विच प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी प्रिंसीपल माता सुंदरी कॉलेज जिथे आप बैठे हाँ ये भी पहुँच चुके ने ते चाय पीण तो बाद अगला लैक्चर आप इन्हां कोलों सरवण करना है कल भी सिंह साहब ने इत्थे आना अपने कोले कोर लैक्चर कल भी है इस पक्षों भी थोड़ा जा क्योंकि मेरी हमेशा ही इच्छा होंगी है कि जे सामने वाले वालों अंदरों कोई प्रमाण नहीं मिले ना कि समझ आया जो तो अंदर की चल रहा है उन्होंने चिर तक गल नहीं मानी ठीक है तो कल जे थोड़े मन कोई आ गए प्रश्न इस संबंध एक गल का ख्याल रखे कि ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਜ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ